महाराष्ट्र की सियासत में अभी तक सस्पेंस बना हुआ है कि सीएम की कुर्सी पर कौन बैठे महायुति को स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद भी ये फैसला नहीं हो पा रहा है कि महाराष्ट्र की बागडोर कौन संभालेगा बीते शुक्रवार को शिंदे के गांव जाने के बाद सियासी गलियारों में सुखुगाहट होने लगी थी कि शिंदे नाराज है इसलिए वो गाँव चले गए हैं हालांकि शिंदे ने मीडिया से बातचीत में कहा कि महायुति में कोई भी मतभेद नहीं है मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला पीएम मोदी अमित शाह लेंगे इसके साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो गांव गए थे वहीं महाराष्ट्र की सियासत में हो रही उठा पटक को लेकर के शिंदे ने कहा कि मेरी भूमिका मैंने गुरुवार को ही स्पष्ट कर दी थी कोई भी मुख्यमंत्री बने मेरा समर्थन रहेगा महायुति में कोई भी मतभेद नहीं है ढाई साल में हमने बहुत कुछ विकास का काम किया है लाडली बहन लाडला भाई और लाडले किसानों के लिए काम किया मैंने कॉमन मैन की तरह काम किया है भाजपा के निर्णय का शिवसेना ने समर्थन किया है और इसी के साथ ही शिंदे ने कहा कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का निर्णय अगले दिन तक हो जाएगा यानी कल सोमवार को जाएगा और ये पूरी प्रक्रिया भाजपा के नेतृत्व में तय होगी उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार लोगों की समस्याओं को सुने और उन्हें हल करने के लिए प्रतिबद्ध है सातारा में पत्रकारों से बातचीत के दौरान शिंदे ने अपनी तबियत का जिक्र करते हुए कहा कि चुनाव प्रचार और प्रसार में व्यस्त कार्यक्रम के बाद वे आराम करने आए हैं उन्होंने कहा कि ढाई साल के कार्यकाल के दौरान मैंने कभी भी छुट्टी नहीं ली लोगों से मिलने का सिलसिला अभी भी जारी है और इसी वजह से मेरी तबियत खराब हुई है शिंदे ने महायुति के तीनों सहयोगी दलों के बीच तालमेल को बेहतरीन बताते हुए कहा कि सभी दल आम लोगों के कल्याण के लिए मिलकर काम कर रहे हैं उन्होंने अपनी सरकार के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि पिछले ढाई सालों में हमारी सरकार के कामों को इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए इसी वजह से हमें ऐतिहासिक जनादेश मिला है और विपक्ष को नेता तक चुनने का मौका नहीं मिला महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर के जारी सस्पेंस के बीच बीजेपी नेता राव साहब धानवे ने भी बड़ा बयान दिया उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि महाराष्ट्र के लोग जानते हैं कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा दानवे ने कहा कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री का नाम तय हो गया है पार्टी के शीर्ष नेताओं की तरफ से पुष्टि का इंतजार है एक निजी चैनल से बातचीत में दानवे ने कहा कि ये सब कुछ तय हो चुका है हम नाम पर आधिकारिक मुहर का इंतजार कर रहे हैं मंत्रिमंडल में किसे शामिल करना है ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है दानवे ने कहा कि कार्यवाहक सीएम के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है वो रविवार शाम को मुंबई लौटेंगे शिंदे शुक्रवार को अपने पैतृक गाँव सतारा के लिए रवाना हुए थे अपने पैतृक गाँव में उन्हें तेज बुखार हो गया था शिंदे को सतारा पहुँचने के बाद इस बात की अटकलें तेज हो गई थी कि नई सरकार के गठन के लिए हो रही कवायद के तरीके से शिंदे गुटनाराज है हालांकि अभी तक इस बात की घोषणा नहीं हुई है महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा लेकिन बीजेपी सूत्रों के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे है फडणवी तोबा राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और शिंदे के नेतृत्व वाली निवर्तमान सरकार में वो डिप्टी सीएम दी वहीं बाबा नुकूले पर निशाना साधते हुए उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राव ने कहा कि नागपुर से बैठक वो शपथ ग्रहण की तारीख तय करते हैं क्या वो राज्यपाल हैं या फिर इन लोगों के पास राज्यपाल की शक्ति है राउत ने कहा कि हम सब कुछ देख रहे हैं कि ईवीएम में किस तरीके से गड़बड़ी हुई पैसों का खेल भी चलाया गया है हम इनकी सारी गतिविधियों के खिलाफ जल्द ही बहुत बड़ा मूवमेंट चलाने वाले हैं सीएम के नाम पर सस्पेंस जैसा कुछ नहीं है इन्हें बहुमत मिला है तो जल्द से जल्द विधायक दल का नेता चुना जाना चाहिए पुणे में अजीत पवार ने कहा कि महायुति नेता की दिल्ली की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि महायुति भाजपा के मुख्यमंत्री के साथ सरकार बनाएगी और शेष दो दलों के उप मुख्यमंत्री होंगे ये पहली बात नहीं है जब देरी हुई है अगर आपको याद हो तो उन्नीस में सरकार गठन में एक महीने का समय लगा था उन्होंने आगे कहा कि रही बात मंत्रालय के बंटवारे का मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के बाद मंत्रालय बंटवारे का पूरा अधिकार राज्य के मुख्यमंत्री का होता है कुछ भी खिस्सा नहीं है अजीत ने कहा कि एक शिंदे साहब ने भी साफ कर दिया है कि अमित शाह और मोदी जी जो निर्णय लेंगे वो हमें मान्य है हमने अपनी भूमिका पहले ही जाहिर कर दी है जाहिर है कि उनके पास एक सीट है तो मुख्यमंत्री उनका ही होगा अजीत ने कहा कि शिंदे साहब नाराज नहीं है इतने दिन से प्रचार पर फंसे हुए थे शनिवार रविवार को कार्यवाहक मुख्यमंत्री को इतना काम नहीं होता इसलिए अपने पैतृक गांव गए हुए हैं लेकिन देखना यह होगा कि जिस तरीके से अजीत पवार कह रहे हैं जिस तरीके से शिंदे कह रहे हैं और जिस तरीके से अटकड़े विपक्ष के तरफ से लगाई जा रही किसकी बातों में दम है और क्या कुछ होने वाला है यह कल सोमवार को तय हो जाएगा जैसा कि राज्य के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एक नाथ शिंदे ने कहा संभव कल आधिकारिक तौर पर नए मुख्यमंत्री की घोषणा कर दी जाए यानी नया सीएम एम का चेहरा घोषित कर दिया जाए और उसके बाद पाँच तो दिसंबर को शपथ दिलाई जाए अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगे महाराष्ट्र की राजनीति किस करवट जाती है और विपक्षी दलों को क्या कुछ मिलता है निशाना साधने के लिए और सवाल उठाने के लिए अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें आठ मिलियन प्लस सब्सक्राइबर आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद